खबर छत्तीसगढ़ के कोरिया से है, जहां 9 मई को ग्राम बुडार परसा में दो पक्षों में चले लाठी डंडों में एक महिला भी चपेट में आ गई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जिसकी रिपोर्ट थाना पटना में दर्ज कराई गई। इसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की। आपको बता दें कि कोरिया के पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी पटना सहायक उप निरीक्षक राजेंद्र सिंह ने नेतृत्व में हत्या के आरोपी रविंद्र कुमार खलको पिता श्री जगेश्वर प्रसाद खलको, प्रकाश नारायण एक्का, अनिल बखला पिता बनारसी बखला निवासी बाग बरोद विधि डोगरी थाना सोनहत जिला कोरिया छत्तीसगढ़ के थाना पटना पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई कर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।